दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। संक्रमण से बचने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में भारत ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है और पीएम मोदी ने सभी लोगों से घर पर रहने की अपील की। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन से न सिर्फ पालतू बल्कि जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने महासमुंद के घुंचापाली पहाड़ पर स्थित श्री चंडी माता मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है, जहां भालू मंदिर के अंदर खाना ढूंढ रहा है और भालू डिब्बे को पटक रहा है। प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद हो चुके हैं। ऐसे में भालुओं को खाना नहीं मिल रहा है, वो रोज आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो भालू आए और खाना ना मिलने से गुस्से में डस्टबिन फेंकने लगे, फिर दोनों मंदिर में ही खेलते नजर आए। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि जंगली जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरबा जिले में 13 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। न्यूज डेस्क।